नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं DRDO में जो अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज का हमारा टाइटल भी यही है, DRDO में अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है और क्वालिफिकेशन है ITI। तो जितने भी ITI कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिसशिप कहीं से नहीं की है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर टेक्निकल डिलाइट 4 से फॉलो कर सकते हैं एवं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट टाइम टाइम पर मिलती रहे, आपसे कोई अपडेट छूट ना जाए। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। तो ये हमने नोटिफिकेशन अपन ओपन कर लिया है DRDO का, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या प्रोसीजर है इसका आप पूरी तरह से समझ पाएँ। वीडियो आप आधा अधूरा देख के छोड़ देंगे तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर आप परेशान होते हैं कि हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये राजस्थान का है, जोधपुर में आपको मिलेगा DRDO से अप्रेंटिसशिप करने का मौका। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर DLG HRD रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप 2022 एंड 23 के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का ही है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए आप स्टाइपेंड जो आपका यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है 7,000 रुपये। ठीक है, आपको पर मंथ इतना स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो जो पोस्ट की बात करते हैं किस किस ट्रेड्स में कितनी कितनी पोस्टें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 7 पोस्ट हैं, कारपेंटर में 1 पोस्ट है, वेल्डर में 1 पोस्ट है, टर्नर में 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट में 1 पोस्ट है, फिटर में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 1 पोस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 15 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट में इंग्लिश में 4 पोस्ट है, उसके बाद स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल हिंदी में 2 पोस्ट है, उसके कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस में 2 पोस्ट है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल 36 पोस्टें हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप देखिए। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है फॉर्म, आप नहीं भी डाउनलोड करेंगे तो आप हमारा टेक्निकल डिलाइट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं इस PDF को डालूंगा और इसी में मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं कि फॉर्म कहाँ है, आपको उसको प्रिंट करके फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके फिलअप करने के बाद जो डिटेल्स उसमें मांगी गई है मैं अभी उस फॉर्म की तरफ ले चलूंगा और आपको फिल करके इस जो email ID जो दी गई है director.dl@gov.in इस पर आपको PDF फॉर्मेट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी। तो आपको ये फॉर्म जो भरना है वो ईमेल के माध्यम से भरना है। ठीक है, और ये देखिए ये दिया है कि लास्ट डेट जो है 15 दिन, मत कहने का मतलब ये है कि अभी जस्ट अभी फॉर्म आया हुआ तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर के ईमेल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपका स्पैम वगैरह में जो कुछ कभी कभी क्या होता है कि अगर DRDO कोई मेल करे तो आपको स्पैम में भी आ सकता है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी इनवैलिड रॉन्ग ईमेल होगा तो आपको उस चीज़ के लिए जो स्पैम में अगर चला जाता है तो उसके लिए DRDO जिम्मेदार नहीं होता है। होता है क्या कि ईमेल के माध्यम से आपसे कंसर्न किया जाता है तो कभी कभी आप लोग परेशान होते हैं कि मुझे कोई मेल ही नहीं आया, ईमेल DRDO ने किया, तो वो कभी कभी आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है मेल के, तो आप उसमें ज़रूर चेक कर लिया करें कि स्पैम में भी एक बार जब आप मेल चेक करते हैं तो इसको चेक करें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो आपका मेरिट बेस पे होगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस, मेरिट बेस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेस पे। ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ऑफर लेटर, ऑफर लेटर के साथ आपको भेजा जाएगा जिनका सिलेक्शन किया जाएगा, आपको इसी पे ईमेल करना है। इस पे ईमेल करने से पहले आपको इस पोर्टल पे जाके आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसी ईमेल पे फॉर्म भर के मेल करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की, आपको कोई क्वेरी भी होता है तो आपको इसी पे ईमेल पे भेजना है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद कैटेगरी, ईमेल एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद करस्पॉन्डेंट्स एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। आप यहाँ पे एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी मैंने आप क्वालिफिकेशन के बारे में 10th डालेंगे, 12th डालना हो तो ITI डालेंगे, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, क्लास, डिवीजन और मार्क्स कितने हैं उतने। ठीक है, अगर DRDO एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट, यहाँ पे आपके देखिए इसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल होता है आपको वहाँ से अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करके अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल का नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ साइन करेंगे डेट और लिस्ट ऑफ इनक्लोजर करके आप यहाँ पे सेंड कर देंगे। बायोडाटा विल बी टाइप्ड इन द फॉर्मेट एंड सबमिटेड, दोज हु फिल बाय हैंड विल बी समरली रिजेक्टेड। देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ को आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बायोडाटा टू बी टाइप्ड इन दिस फॉर्मेट एंड सबमिटेड, दोज फिल्ड बाय हैंड
विल बी समरली रिजेक्टेड। कहने का मतलब यह है कि इसी चीज़ को आप पेन से लिख के अगर फिल करके दे देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसी को प्रिंट करना है, इसी को फिल करके उनको सेंड करना है ईमेल के माध्यम से। ठीक है, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल डिलाइट फोर से हमारा चैनल है। उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म को ईजिली डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, एवं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर अपडेट टाइम टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।